मॉर्निंग पैलाग, नमस्कार, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट है सुबह के 10 बजे से। तो अब मैंने मतलब ब्लॉग तो एडिट कर शाम को ही कर दिया था। अब मैं ब्लॉग वगैरह डाली थी और नाश्ता तो हमारा सुबह ही हो गया, क्योंकि सुबह से हम कल रात में जो भी पूजा वूजा हुई उसकी साफ़ सफाई में लगे हुए थे और किचन विचन साफ़ किया मैंने भी। तो और आज बनाए थे हमने चावल के माड़े बनाए हुए थे, तो उसी में लगे हुए थे सुबह से। व्लॉग बना ही नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी ना। मैं कह तो रही हूँ घर में कंटिन्यू 20 तारीख से, मतलब करवा चौथ के बाद ऐसे ही फंक्शन स्टार्ट होने, मैं फिर कर पहले करवा चौथ, फिर उसके बाद फिर गृह प्रवेश हो गया, फिर उसके बाद अब दिवाली। तो ना मतलब मैं बहुत अपने आप को बहुत मतलब मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही है, तो जिस वजह से मुझे डिहाइड्रेशन इस टाइप का और थोड़ा ऐसे मतलब ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। मैं मतलब डाइट तो प्रॉपर ले रही हूँ बट पता नहीं फिर भी क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है अब। क्योंकि अब जो मेरा 7 मंथ है वो भी कंप्लीट होने वाला है ना। अब मतलब ज़्यादा वो कहते हैं ना प्रेगनेंसी का बहुत नाजुक महीना होता है 8वां महीना, तो तब क्या पता अब बेबी जल्दी जल्दी ग्रो करता है, हर एक वीक में 200 ग्राम बढ़ता है ऐसा करके मैंने देखा था। तो क्या पता उस वजह से हो रहा हूँ, ज़्यादा फूड इनटेक कर रहा हो, प्रोटीन विटामिन्स आयरन कैल्शियम है ना, तो ऐसा कुछ है। अब भी यहाँ पे बना रहे हैं, मम्मी लोग कर रहे हैं वहाँ पे धान बता रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ऊपर जाती हूँ एक बार मैं भी। और पहले संतरा मैंने सुबह खा लिया था जब मैं चावल के माड़े बना रही थी, तो अभी सेब खा लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको बाहर। टाइम पे कितनी भी सफाई करो ना, पर गंदा जो होता है ना वो असली वो दिवाली के बाद ही होता है बस सच में। फ्रूट कहाँ चाची का ठंड वाला लुक देखो, ब्लॉग बना रही हूँ दिन में। और यहाँ पे सरी का दिखाया, मम्मी क्या कूट रहे हो? सरी चेरी कूट रहे, और यहाँ पे इसका बीज बना रहे हैं। ऐसा होता है चेरी का बीज, और यहाँ पे हमारे पूरे खेतों में बरसिंग बो दी है गेहूं। तो अभी उन्हें मैं खेतों में जाने वाले जूते पहनती हैं। फिर देखो हमारे पलाश का लूटा, और इसमें हरी सब्जी बो रखी होगी ना, हरी सब्जी बोई है मम्मी इसमें, ये हरी सब्जी बोने के लिए रखा है। और यहाँ मैंने मक्खन घास लगा रखा है पूरा, ये देखो। और यहाँ पे पूरे बरसिंग के लिए जो मेड़ वेड़ है वो लगा रखी है, फिर इसको काटेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे फिर गेहूँ लगाएंगे। वहाँ पे चाची फेंक रही है गोबर, मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको, मैं फिरों की धूप दिखाती हूँ, ये देखो जली नहीं है बेचारी की कल रात की धूप। दोनों क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? हम दोनों ब्लॉग देख रहे हैं। अच्छा ब्लॉग देख रहे हो तुम दोनों? हमारे राम जी जो हमारा करण लेके आया था वृंदावन से, अब बाद में जयरो के हमारे भी लेके आएगा। अपना डांस देख रहे कल का एडिटिंग चाची मुझे था अपने बच्चे का ब्लॉग, हंसने वाला लगा रखा है पूरे उसमें। अरे तो कल डांस कर रहे थे यार, लोग बताने लग गए थे मैम, और हम चलते हैं नीचे। सो गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 7 और अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी, क्योंकि कल हम दिवाली के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो पाए थे, टाइम ही नहीं मिला। तो आज हम अपना पूरा काम करके खाना वाना बना के फाइनली हम रेडी हो रहे हैं।
अभी भाभी अपना आउटफिट निकालेगी, आप लोग शॉर्ट्स में देख लेना, गेट रेडी विथ मी बना रहे हैं भाभी और मैं, और अभी बुआ भी आई है, रेडी हो, रेडी हो, निकलो रेडी निकले। और बुआ पहन रही है कॉफी कलर की साड़ी, और इतनी पुरानी साड़ी है ना, लग कितनी मस्त रही है, इतनी बहुत हैवी भी है ये, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत अच्छा लग रहा है ब्राउन कलर। से अभी इसको हम सेटअप करते हैं, यहाँ पर ये प्लांट वगैरह लगाते हैं और गेट रेडी विथ मी बनाते हैं, अपना आउटफिट निकालो जल्दी। मैं मस्त लगती है साड़ी वाली, इस ये बुआ की साड़ी देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है, ये मामू ने दिया था गिफ्ट फर्स्ट एनिवर्सरी में, और पता नहीं कहाँ से किस कहाँ से बक्से से निकाल के कोने से निकाल के आई है, देख सकते हो, और पीछे जूड़ा लुकिंग नाइस। सो गाइज हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी हम जाते हैं फोटो शूट और वीडियो शूट करने के लिए, और बाकी हमने यहाँ पे दिया बत्ती सब कर दी है, और यहाँ पे रॉकेट फोन निकल रख रखे है दारू की बॉटल, जैसे कि आप देख सकते हो रेडी होते होते यहाँ पर इनको भूख लग चुकी है, ये खा रहे हैं खाना। बुआ यहाँ पे रख रही है मेरी रंगोली पे दिया, क्योंकि आज मैंने बनाई थी रंगोली, यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं माड़े, चाची ने बना रखे आज माड़े, माड़े बना रही यहाँ पे माड़े, दोनों लगे यहाँ पे, हम लोग तो तैयार हो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विंग हो रही है, यहाँ पे अब इनका सेकंड फोटो शूट चल रहा है। सो गाइस अभी मेरी बारी है यहाँ पे अनार की, क्योंकि हम छोटे मोटे पटाखे जड़ा सकते हैं, यू नो लड़कियों का फेवरेट पटाखा है फुलझड़ी, बुलेट नहीं, चल मैं यहाँ पे वो हिसाब हो गया, अगली होली तक जलेगा अभी अनार, अच्छा पहन के घूम रहे यहाँ पे देखो, बुबू का स्टाइलिश वाला अच्छा है, दिखाओ बुबू आपके पागे अंदर, फोटो अम्मा आ जाओ फोटो खींचे जल्दी आओ बाहर पे, ये बुबू यहाँ पे पजामा और चश्मा भी पहन के लेके आ गए, कल टाइम नहीं मिला सेल के लिए लगा रहे, अभी बजाओ बुबू अम्मा हैप्पी दीपावली, ओके इसी समय इसी वक्त इसी समय इसी वक्त, हैप्पी दिवाली टू ऑल द सब्सक्राइबर, टू ऑल सब्सक्राइबर एंड मेरे YouTube के सभी सदस्यों को, मैं सभी सभी के परिवार को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी गणपति भगवान सब आप लोगों पर अपने आशीर्वाद बनाए रखे, यही मेरी मनोकामनाएं हैं, उनसे हीरो की तरह लग रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और मेरा डांस कैसा लगा वो वाला भी बताइएगा प्लीज़ यार एक बार, चचा रहू की स्टेप करके दिखाएंगे करके देखो ऐसे ऐसे आधा वो वाला भाई, आप देख सकते हैं पापा क्या पहन के आए, जंतर मंतर तो देख सकते हैं क्या पहना ये, मतलब यहाँ भी पहन के आ गए, बहुत मतलब मेहनत कर रहे बच्चे हमारे, इसलिए कम सर वो लाइक कर रहे हैं, कोई शेयर नहीं कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, एक मेरे डांस से क्या होगा भाई, अगर हम अभी डांस दिखाने के लिए एक गाना बजा दो, हमने जंतर मंतर पहना है वो ना, कह रहा है हार देंगे अभी भी भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, हम गली साइड में भी डांस करते हैं भाई साहब, किसने कहेंगे सलमान खान को उड़ा देंगे, सलमान खान तो नॉर्मल हो गया हमारे लिए, मोदी को उड़ा देंगे बोलो, नहीं बेटा नहीं, फोटो खींच भाई, फोटो खींच, अरे वाह बोलो मोदी जी, तो फोटो खींचो उतार दो थे ना, अब उतार दो, अब उतार, अरे वाह मजा आ गया, प्रेम रतन धुन पायो, चलो भिड़ो, सलमान खान ना बुला दे भैया बॉडी गार्ड हमको, चलो 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 चलो, अंदर आए हैं फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हो गई थी।